हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बदर किचन में आपका स्वागत है। हम लोग गोश्त को लाकर फ्रिज में, कच्चा गोश्त फ्रीजर में रखते हैं। हमें निकाल कर पकाने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए आज हम आपको एक इजी मेथड बताएंगे गोश्त को गलाकर फ्रिज में स्टोर करके रखने के लिए। हमने यहाँ पर 1 kg मटन लिया है। अब हम इसमें 2 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 teaspoon हल्दी पाउडर, 1.5 teaspoon नमक ऐड करेंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 4 से 6 हरी मिर्च, हरा धनिया, 2 medium प्याज ऐड करेंगे। और इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 glass पानी ऐड करेंगे और इसको 20 मिनट के लिए लिड लगाकर मटन को गला लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम लिड खोलकर चेक कर लेंगे। ये देखिए, मटन अच्छी तरह से गल चुका है, इसमें थोड़ा सा पानी लग रहा है। अब हम इसे, इस सारे पानी को सुखाकर मटन को ड्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारा पानी सुखा लिया है, मटन को ड्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना मसालेदार, कितना टेस्टी लग रहा है। इससे आप अगर रेसिपी बनाएंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इस तरह से आप गला कर रख कर कोई भी रेसिपीज बनाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स दीजिए।